अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि मैं आपको पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ हफ्ते का। तो पूरा शेड्यूल हफ्ते का ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हमारे 7 दिन होते हैं। उन 7 दिनों की पूरी एक्सरसाइज मैंने अपनी थंब लाइन में दी हुई है, आप मेरी थंब लाइन में चेक कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपको कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज लगानी है वो पता चल जाएगा। तो गाइज, हम ये तो पूरी मसल की एक्सरसाइज करते हैं, मसल के अलावा हमें फ़िट रहने के लिए भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो एक्सरसाइज फ़िट करने के लिए हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, आई मैं वो आपको बताता हूँ। सो गाइज, मैंने आपको ये बताया कि मैं अब पूरे हफ्ते का शेड्यूल बताने वाला हूँ, लेकिन पूरे हफ्ते के शेड्यूल से पहले मैं बॉडी फ़िट करने के लिए बताना चाहता हूँ आपको कुछ एक्सरसाइजेज, जिससे कि सबसे पहले हमें बॉडी फ़िट करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठा के और मतलब थोड़ा सा ख़ुद को उछालना है, लाइक इस तरह। इसे आप 5 से 10 मिनट तक करें बहुत है वो, इसलिए क्योंकि आपकी पूरी बॉडी अंदर से मूव होती है, पूरी बॉडी आपका जो वेट है, आपकी जो चर्बी है, उस चर्बी को हम गाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, इंक्लाइन बेंच सेटअप्स। ठीक है, आ जाएं आ जाएं। सो गाइस, मुझे शूज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं तो मैं इसके अंदर अपने शूज़ उतार सकूँ, आप भी उतार सकते हैं अपने शूज़। तो सबसे पहले आपने इस पर इस तरह से लेट जाना है। अब आप लेट के, आप कहते हैं अक्सर औकात लोग कहते हैं कि उसको हमें पूरी तरह से ऊपर आना होता है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा ऊपर नहीं आना होता, मैं उल्टा लग रहा हूँ आई थिंक। तो ऐसे हमें पूरी तरह से ऊपर नहीं आना, अपने हाथ दोनों के गर्दन के पीछे एंड 1 2 3। तो इस तरह से हमें 10 टाइम, 12 टाइम, 12 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन आप लगा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा पेन ना हो कमर में, इसमें ज़्यादातर कमर में पेन होता है, तो आपको ज़्यादा कमर में पेन नहीं करना। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको लगाता हूँ ट्विस्टिंग हिप राइज, वो भी हमारे मसल्स के लिए, हमारी बॉडी के फैट के लिए बहुत अच्छा होता है। आज वो भी हमको आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ट्विस्टिंग हिप राइज के लिए आपको सबसे पहले ख़ुद को सीधा लेटा देना है। जब आप ख़ुद को सीधा लेटाते हो लाइक ऐसे, लेटाने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी सर के पास कोई ऐसी मजबूत चीज़ है, कोई ऐसी हैवी मशीन है जो आपके वेट से ज़्यादा है। तो उसके लिए आपने जो हाथों से अपने पीछे पकड़ लेना है उसे, एंड दोनों पाँव को एक साथ रखने और टांगे स्ट्रेट रखनी है अपनी, आपकी जो थाइस है बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है लाइक ऐसे। 1 2 3। आपकी टांगें, आपकी थाइस पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। थाइस पूरी तरह से सीधी होने के बाद आप जब अपने थाइस नीचे ले जा रहे हो, जब आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो उसे पूरी तरह ज़मीन पर टच नहीं करनी, सिर्फ हवा में रखनी है, अपने मसल्स पे, अपने एब्स के मसल पे, पेट के मसल पे जोर देना है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो गाइस, हमने वहाँ पे हिप राइज लगाया, अब हिप राइज के बाद हम लगाएंगे केबल क्लीनिंग क्रंच। तो इसके लिए आपके पास दो जो है ना, आपके पास टूल्स होते हैं। सबसे पहले आप ये लगा सकते हैं वायर, अगर ये आप लगाते हैं तो ये इसलिए होता है ताकि आप अपनी तरीके से एक्सरसाइज कर पाएँ। इसके अलावा आपके पास होता है ये रॉड, हम जो है ना रॉड को नहीं लगाते, हम इस वायर को लगाते हैं। और वेट आप अपने हिसाब से, आपने अपने तरीके से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। एंड इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इसे पकड़ लेना है तरीके से एंड इस तरह बैठना है। जब आप इस तरह बैठते हैं तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि अपने आपके मसल्स बिल्कुल सेट रहे, और इस तरीके से अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करना है। एंड वन टू, और अपनी बैक, अपनी कमर को सीधा रखना है। एक्सरसाइज लगाते वक्त इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ये आपको इस तरीके से लगाना है। जब ये लगा लें आप, तो उसके बाद अपनी फिर से वही एक सेट लगा सकते हैं जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, वो लाइक उछलना, इस तरह से हमारा जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो सेट हो जाती है। ठीक है गाइज, मैं आगे आपको दिखाता हूँ और फिट। तो गाइज, बॉडी फिट रखने के लिए एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारे पास कमांडो मशीन। कमांडो मशीन इस तरह होती है लाइक, जैसे आप सबसे पहले ऐसे सीधा लेट जाते हैं एंड इसको आप उठाते हैं, तो आप इसे उठाते हैं तो अपने तरीके से, अपनी बैलेंस से इसे सबसे पहले नीचे लाना है आपने,
अपने चेस्ट तक, वापस इसको सीधी तरह से ऊपर उठाना है। इस तरह आप 12 रेपिटेशन लगा सकते हैं इसके। गाइस रखते और उठाते वक्त थोड़ा सा केयरफुली रहें, या किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला लें अपनी हेल्प के लिए, या तो फिर जो है ना आप तरीके से इसे उठाएं ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, कोई मसल के अंदर कोई पेन ना हो। ये लगाने के बाद आपने लगाने बटरफ्लाई, ठीक है। आ जाए तो गाइस वेट आप अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। गाइस मैं आपको बटरफ्लाई बता देता हूँ, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताई थी किसी सेट के अंदर, किसी वीडियोस के अंदर। तो आपको सबसे पहले अपने आप को सीधा रखना है, एंड देट वन टू थ्री गाइस, इस तरीके से आपको 12 रेपिटेशन लगाने हैं इसके। जब आप इसके 12 के 2 रेपिटेशन लगा लेंगे तो उसके बाद आपकी फ़िट होने की एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, तो आप फिट होने की अपनी एक्सरसाइज बरकरार रख पाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।